ये कहानी है पहला राम को ब्रिज अक्रॉस कर रहा है, सेवन ब्रिज देन क्रॉसेस द ब्रिज मेंटेनिंग ए स्पीड, मतलब जो राम है, राम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 7 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो उसका जो टोटल टाइम राम को कितना लगेगा वहां तक पहुंचने में, टी राम इज इक्वल टू 300 प्लस 400, 700 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो जाएगा 100 सेकेंड्स। उसका नेक्स्ट बोला गोपाल स्विम्स अक्रॉस टू द पॉइंट सी स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ये जो है ए से सी के लॉन्ग ऐसे जा रहा है, ए टू सी। हिज वेलोसिटी इन स्टिल वाटर इज 4, मतलब रिजल्टेंट जो है वो इसके लॉन्ग ये मेंटेन कर पा रहा है। हिज वेलोसिटी इन स्टिल वाटर मतलब क्या है, वी इज इक्वल टू 4 एंड यू इज इक्वल टू 3, जैसे कि इसमें रिवर का ज्यादा है तो डिजायर्ड एंगल तो मेंटेन कर ही लेगा, तो ये एंगल तो बता सकते हो कितना हो जाएगा, ये तो 53 हो जाएगा, वो अपनी वेलोसिटी इसके लॉन्ग रिजल्टेंट आना है, तो अपने को किसी डायरेक्शन में रखेगा तभी तो। क्रॉसेस द सी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, गोपाल स्विम्स अक्रॉस लाइन, तो अपने आप को वो किसी लाइन के अलोंग रखता है। ब्रिज रन्स परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, ऐसे होगा ना, ऐसे ये 53 पे है, ये किसी थीटा पे है, इस लाइन के लॉन्ग जाना है, मतलब वी ऐसा है तो वी कॉस थीटा हम ऐसे देखेंगे, ये हमारी डिजायर्ड लाइन है, और वैसे तो एंगल फाइंड नहीं करना है बट फिर भी ये थीटा है और ये है हमारा 53, डिजायर्ड लाइन के लॉन्ग जाना है तो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कैंसिल आउट होना है, और ये है 3 और ये है 4, 4 cos 4 sin, 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3 sin 53, तो यहाँ से हो जाएगा 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3 sin 53 इज इक्वल टू 4/5, तो ये थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, मतलब वो जो है यहाँ से 37 डिग्री पे स्विम करेगा। 37 पे स्विम कर रहा होगा तो इसके इसका टाइम कितना हो जाएगा, अभी टाइम निकाल सकते हो, इसके अलोंग रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी अलोंग एसी इज इक्वल टू 4 cos, ध्यान से समझना, डाउट होगा तो पूछना, 4 cos 37 इसका भी कंपोनेंट होगा एक इसका भी कंपोनेंट होगा, प्लस 3 cos 53 इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, हो जाएगा 4 cos 37 इज इक्वल टू 37.4/5 प्लस 3 cos 53 3/5, टोटल कितना हो गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू, अरे यार ये तो 90 डिग्री हो गए ना, ओहो ये तो दोनों टोटल 90 डिग्री हो गए, तो रिजल्टेंट तो 5 हो जाएगा। देख लो सत्यप्रकाश, नींद आने से यही सब होता है। रिजल्टेंट स्पीड इज इक्वल टू, अरे ये 37 हमने फाइंड कर लिया, ये 53 फाइंड कर लिया, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, जैसे ही परपेंडिकुलर हो गए ये सब टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बता सकते हैं कि 5 है, जब 5 से जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा इसको, 5/5 100 सेकेंड, 100 सेकेंड इसको भी, 100 सेकेंड इसको भी, तो क्या हो गया, 1 हो गया ये आंसर, आई समझ में, अच्छा था यार। यस सर, थीटा इसमें मल्टी मल्टी करेक्ट में आ सकता है, ही इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू दिस मच, ये वो जो भी ऐसे आ सकता है, अलग अलग टाइम, टाइम टेकन बाय राम इज इक्वल टू 100, टाइम टेकन बाय श्याम इज दिस, ऐसे ऐसे करके, तो 4 स्टेटमेंट बन जाएंगे, क्वेश्चन वही रहेंगे, क्वेश्चन की भावनाओं को समझना है। 25 हो गया, 27 और 30, 30 30 यार सत्यप्रकाश तुम ही बता दो, एरिया अंडर एस ग्राफ क्या होगा जल्दी से, वेलोसिटी का स्क्वायर। हाँ काइनेटिक एनर्जी में चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज पर यूनिट मास, ए इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एस, हम देख लेते हैं, अभी तो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, क्या पूछ रहा है, एरिया शायद वही होगा। अ पार्टिकल मूव्स इन द रेक्टिलिनियर मोशन, द एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ एज शोन इन द फिगर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 10,
मतलब यहाँ पे जो है वो है 10 meter per second. The velocity of the particle after particle has traveled a distance 30 meter, traveled a distance 30 meter is into 10. हाँ ठीक है. चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है. A is equal to v dv by ds, v dv by ds. So v dv is equal to a ds. इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा एरिया अंडर ग्राफ is equal to change in kinetic energy v square minus u square divided by 2. एरिया पुट कर देंगे, हाफ बेस इनटू हाइट, 30 इनटू 10, तो ये हो जाएगा 150, 300, v square minus u square is equal to 300, तो u u square की वैल्यू है 10, 100, 400, root 20, 2 इनटू 10, ठीक है? में सिंपल कंडीशन है कि सिंपल लैंग्वेज में सोचो, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, कि दो ऑब्जेक्ट तभी कोलाइड करते हैं, दो ऑब्जेक्ट तभी कोलाइड करेंगे. ऐसे दो पार्टिकल हैं और ये दो पार्टिकल को कोलाइड करना है. मान लो एक रेस्ट में है, ये भी है, तो ये कोलाइड कब करेंगे? जब हम ये इसी के लाइन आएगा, इसे टकरा जाएगा, तभी तो कोलिजन होगा. तो ये कोलिजन होगा कि, तो इसमें क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी मस्ट बी डायरेक्टेड अलोंग ए, ए के अलोंग होना चाहिए. या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी, या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. अब यहाँ ए रेस्ट में था तो ज्यादा टेंशन नहीं थी हमें, वही वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो जा रही थी. मस्ट बी अलोंग बी ए. तो अगर ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वे में हम बोलेंगे इसी चीज को, जो कि हम कॉमन सेंस से समझ रहे थे कि जो इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए इसके तरफ होनी चाहिए, उसको हम सोफिस्टिकेटेड वे में बोलेंगे. तो ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मस्ट बी अलोंग बी ए, ऐसा होना चाहिए. तो अब ये दो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं किसी एक के रिस्पेक्ट में, हम देख लेते हैं. दो पार्टिकल कोलाइड करने हैं तो हमारा पॉइंट सेम रहेगा, बेसिक सेम रहेगा कि वेलोसिटी ऑफ ए या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मस्ट बी अलोंग दिस लाइन. कैसे फाइंड करेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए. यहाँ पे वी ए ये है, माइनस वेक्टर ऐसा हो जाएगा, माइनस वेक्टर ऐसा हो जाएगा, और ये भी 20 है, ये इस लाइन के अलोंग आना चाहिए. तो यहाँ पे जो है ये एंगल थीटा है, और ये एंगल हम बता सकते हैं ये एंगल कितना है. टेन थीटा देख लोगे, टेन थीटा 100/100√3, 1/√3, 30 degree, 30 degree है. तो दो इक्वल वेक्टर हैं और उनका रिजल्टेंट जो है वो इसी के लॉन्ग आना चाहिए, इसी के लॉन्ग आना चाहिए, 30 degree पे आना चाहिए. तो ये दोनों क्या होंगे, ये एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग ही आएगा ऐसे, ठीक है. तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 degree. इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग आएगा. अब एंगल बाइसेक्टर की वैल्यू है 30, तो टोटल एंगल हो जाएगा 60 और ये एंगल हो जाएगा 30, तो थीटा इज इक्वल टू 30 degree. अब 30 degree आ गई, तो दो वेक्टर्स अगर 60 degree पे हो तो उनका रिजल्टेंट हो जाता है 20, ये 20 है, तो 20√3 हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर. तो डिस्टेंस यहाँ से फाइंड कर लोगे 200 हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई दिस 20, तो 10/√3 आंसर आ जाएगा ये, ठीक है. आया समझ में कंडीशन फॉर कोलिजन? सर इसमें नोट क्या करेंगे हम? इसमें नोट तुम्हारा जो पॉइंट है, बस की पॉइंट इतना है कि फॉर कंडीशन फॉर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बी, या यहाँ पे ये लिखोगे कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मस्ट बी अलोंग बी ए, ये हम हमेशा फाइंड करते हैं बस. अब यहाँ पे उसको अप्लाई करोगे, समझोगे कि हाँ ठीक है, ये ऑब्जर्व करेगा इसको, ए को ऑब्जर्व करेगा तो ये इस एंगल पे जाता हुआ बी नहीं दिखेगा उसको, बी इसको इसके अलोंग आता हुआ दिखेगा, ऐसे दिखेगा, क्योंकि मोशन और रेस्ट जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है. नेक्स्ट है 3.
टू प्लेन्स आर फ्लाइंग एट द सेम स्पीड, टू प्लेन्स आर फ्लाइंग एट द सेम स्पीड 200 मीटर पर सेकंड ऑपोजिट डायरेक्शन, मशीन गन इज माउंटेड, वन प्लेन फायर बुलेट्स एट द अदर एट द राइट एंगल टू देयर देयर लाइन ऑफ फ्लाइट. अच्छा, हाउ फार अपार्ट विल द बुलेट होल्स मेड इन द साइड ऑफ द सेकेंड प्लेन बी इफ मशीन गन फायर्स 900 बुलेट्स पर मिनट. अच्छा, 100 बुलेट्स, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं सेम स्पीड से, एक 200 से जा रहा है, तो हम एक के रिस्पेक्ट में दूसरे बोट को देख लेंगे, दूसरे फ्लाइट को. तो ये तो 200 से जा रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी क्या 400 हो जाएगी, मशीन गन माउंटेड इन वन प्लेन, और ये डिस्टेंस है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फायर करता है. अच्छा, तो किसी मूविंग फ्रेम से अगर डिपॉजिट मूविंग फ्रेम से अगर फायर करेंगे तो इसको भी 200 मिल जाएगा, मतलब ये तो 200 ऐसे ही जा रहा है, ये बुलेट जो फायर हुई उस बुलेट को भी वेलोसिटी मिल गई जो फ्लाइट वाली थी 200, तो बुलेट के रेस्पेक्ट में ये 400 से जा रहा है. हाउ फार अपार्ट अप्रोक्सीमेटली विद द बुलेट मेड. अच्छा, तो पर मिनट जो है 900 बुलेट्स निकल रहे हैं, तो 900 बुलेट्स, तो दो बुलेट के बीच का टाइम इंटरवल कितना होगा, कि ये टाइम इंटरवल बिटवीन टू बुलेट्स, 900 का जो टाइम है वह 1 मिनट है, तो ये हो जाएगा 60/900, ये दो बुलेट का टाइम इंटरवल होगा. एक तो मान लो कहीं पे हिट कर गया है, अब यार ये सेपरेशन ठीक है, क्या करेंगे, इसी में 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, कि यहां से आया, दो बुलेट चल रहे हैं, एक मान लो हिट कर गया, अगला कितने टाइम में पहुंचेगा, अगला इतने टाइम में पहुंचेगा, उतने में क्या होगी, ये इधर आ जाएगी, तो जो बुलेट आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, 400, रिलेटिव वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इंटरवल इतना, तो ये मूव कर जाएगा, ये वापस आके यहाँ हिट करेगा, तो ये गैप कितना हो जाएगा, वी रिलेटिव इनटू डेल्टा टी, वी रिलेटिव इनटू डेल्टा टी, तो वी रिलेटिव लिख लेंगे 400, ठीक है, कुछ आंसर आ रहा है, मैं क्या हो गया यार, 8/3, टू हंड्रेड मीटर पर सेकेंड, तो 60 सेकेंड्स हुए 1 मिनट, पर मिनट में 900 बुलेट. बुलेट होल मेड इन द साइड ऑफ द सेकेंड प्लेन, हाउ फार अपार्ट, ये डिस्टेंस तो फाइंड करनी है यार, क्यों, A person who throws a ball upwards, he turns with horizontal inclination, he tries to catch the ball by the acceleration, by accelerating with a constant acceleration. He catches the ball exactly at the same height, he throws the ball. Let G be the gravitational acceleration. Which of the following graph represents the above situation? Displacement, horizontal position, ye kya ball and person. Achha. To ground ke respect mein ye graph draw kiya hua hai. Graph represents the above situation. To person to constant acceleration se ja raha hai. पोजीशन xt ग्राफ है, ये xt ग्राफ, तो पर्सन का xt ग्राफ क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, पर्सन u तो जीरो है, हाफ ए टी स्क्वायर, t का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा पैराबोला वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अपवर्ड ओपनिंग, इस टाइप का पैराबोला होगा. और बॉल, ही ट्राइज टू कैच द बॉल बाय एक्सेलरेटिंग. अच्छा, पर्सन इनिशियली एट रेस्ट थ्रोस द बॉल अपवर्ड एट एन एंगल थीटा नॉट विद हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल स्पीड वी नॉट. तो अगर ये ऐसे दे रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट, अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट से जाएगा इसका, क्यों, यहाँ पे इनिशियली इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो वी नॉट कॉस थीटा ही होगा, वो तो चेंज होगा नहीं, अब पर्सन का जो है वो कॉन्स्टेंट एक्सलेशन से जाएगा, तो पार्टिकल का जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो जाएगा वो वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन,
ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, और जहां इसको कैच कर रहा है दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे, समझे? तो आंसर हो जाएगा बी, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट लिखने हैं और उनको प्लॉट कर देना है। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 सर। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। कार, द कार इज ट्रेवलिंग हाईवे 25 एज शोन। Passenger in the car throws the ball at an angle 37 with the horizontal in the plane perpendicular to the plane of the motion of car. Plane of the motion of car. Perpendicular plane. Perpendicular plane मतलब ये plane हो जाएगा, ये YZ वाला perpendicular plane. Yeah, passenger throws the ball 37 with the horizontal. तो यहाँ से इसने YZ plane में 37 पे फेंक दिया और ये angle हो गया 37. The ball is projected 10 speed 10 relative to the car. What will be the initial velocity of the ball in unit vector notation? Oho. तो जब ये जा रहा है तो इसकी velocity इसको transfer हो जाएगी moving frame से. तो moving frame से अगर transfer हो जाएगी तो 25 i होगा. वैसे तो बाकी देखने की कोई जरूरत नहीं है, है. अच्छा इसमें भी है 25 i. तब इसके बाद रिजॉल्व करना पड़ेगा कि हम देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ जो भी प्रोजेक्टाइल या बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू वी बी माइनस वी सी। तो जो वेलोसिटी ऑफ बॉल हमें वेक्टर लिखना है दैट इज इक्वल टू कार के रिस्पेक्ट में प्लस कार के साथ साथ। कार के रिस्पेक्ट में ये 37 वाला है, कॉस 37, कॉस 37 हो जाता है 8, तो के कॉम्पोनेंट होगा 8, तो आंसर हो जाएगा डी। तो ये बेसिक वो पॉइंट यूज कर रहा है कि व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम, अब ड्रॉप मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि जेड एक्स डायरेक्शन में तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, इसीलिए ड्रॉप बोला जा रहा है। ड्रॉप मतलब उस डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो गई तो उस कार की वेलोसिटी मिल जाती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ये 21। ठीक है, बॉक्स इज स्लाइडिंग स्मूथ सरफेस विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, बॉक्स स्लाइड कर रहा है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनसाइड द बॉक्स विद कांस्टेंट स्पीड। ये क्या है, ये v1 कुछ दिया होगा, पार्टिकल प्रोजेक्टेड इनसाइड द पॉइंट p, वेलोसिटी u रिलेटिव 10, मतलब बॉक्स के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड 10 है, विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री विद विद फ्लोर, पार्टिकल लैंड्स एट q, लैंड्स एट q इन द बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर b, ठीक है। If at a stationary observer, the horizontal displacement of particle is zero, horizontal displacement of particle is zero, then velocity of box V1 at the moment particle was projected. तो मैं क्या करना है कि इसमें जो है इसके respect में velocity देखना है कि box जो है वो constant speed से जा रहा है, ये box के respect में velocity है, ये जो है बॉक्स के साथ साथ वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स इज इक्वल टू पी बी माइनस वी बी पी बी के, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो जाएगा इज इक्वल टू वी पी बी प्लस वी बी। देखो दोनों वेक्टर ऐड किया है, बॉक्स का वेक्टर और ये दे रहा है कि पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ग्राउंड वाला ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी जीरो है, तभी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, एक्सेलेरेशन तो जीरो है ही, इसका एक्सेलेरेशन क्या है, ओनली जी। तो ये क्या हो जाएगा, वी वन इज इक्वल टू 10 cos 60, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, समझे? तो बस जो रिलेटिव वाला पॉइंट था उसी को अप्लाई कर देना है। 22 पार्टिकल इज थ्रोन विद एन इनिशियल स्पीड 5 अलोंग द फ्रिक्शनल हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ अनदर पार्टिकल बी, अनदर पार्टिकल बी इज थ्रोन विद इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल सेम मोमेंट व्हेन द ए इज थ्रोन, बोथ पार्टिकल मीट अगेन द इंक्लाइन प्लेन द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा दोनों जो है ये दोनों क्या सेम पॉइंट से थ्रो हुए,
A particle is thrown with initial speed 5 meter per second along friction is an angle for inclination beta. As a particle is thrown with initial speed 5 meter per second at the same moment when the a is. दोनों के points अलग अलग है नहीं, दोनों के time same है, दोनों meet कर रहे हैं यहाँ से. दोनों ये यहाँ से कहीं आ रहा है, ऐसा दिया नहीं है कि दोनों same point पे आ रहा है. Find the value of this. वैल्यू बताना है भाई. क्या कर सकते हैं, एट द सेम मोमेंट दोनों का टाइम सेम है, इसकी स्पीड तो गिवन अदर बॉल बी, इसकी स्पीड गिवन है 10, थ्रोन विद वेलोसिटी 5, इसकी भी 5 गिवन है, तो टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा. मान लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन है, तो अगर हम इसको ऐसा लेते हैं एक्स एंड वाई अच्छा, तो इसका टोटल रेंज, इसका जो रेंज होगा टाइम सेम होगा, मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हम बता सकते हैं. क्या बता सकते हैं कि ये तो है अल्फा, तो ये हो जाएगा बीटा, तो ऐसे केस में यू कॉस और यू साइन, तो जो टाइम हो जाएगा 2u/u sin α + β / g cos β इज इक्वल टू, इतना हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू ए टाइम के, ए टाइम के टाइम इक्वल करना है 5. क्या कर सकते हैं इसमें, कैसे रिलेट किया जाए.